नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक कर लेते हैं खबरों का। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है। योगी सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने बताया है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में इस दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है। इससे नोएडा में 20,560 करोड़ रुपए का निवेश आया है और करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। बता दें, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि इस सरकार के 4 साल के दौरान 855 औद्योगिक इकाइयों को करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवंटन किया गया, जिनकी संख्या 527 है और ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का दूसरा साल था। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने बताया कि कोरोना की पहली लहर से सबक लेते हुए नोएडा अथॉरिटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपदा में भी कड़ी मेहनत से काम किया और इस दौरान 186 कंपनियों को आवंटन भी किया गया। इस औद्योगिक इकाइयों में 1.5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सैमसंग, अडानी, केंट आरओ सिस्टम, हल्दीराम, यूफ्लेक्स, नेपच्यून सिस्टम, रोटोपम्प्स, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, वेस्टवे इलेक्ट्रॉनिक्स, 197 और कम्युनिकेशन, टीसीएस, मदरसन, INGKA केयर सेंटर जैसी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने नोएडा में या तो नई औद्योगिक इकाई लगाई है या अपने कारोबार का विस्तार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर संकट के बादल एक बार फिर से मंडरा रहे हैं। चारा घोटाले की तरह अब वो डोरंडा कोषागार मामले में भी जेल की हवा खा सकते हैं। दरअसल रांची सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज करके रोजाना बहस का आदेश दे दिया है और बचाव पक्ष ने कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक सुनवाई टालने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है। बता दें, डोरंडा कोषागार मामला संयुक्त बिहार से जुड़ा हुआ है, जो अब झारखंड का डोरंडा कोषागार मामला कहा जाता है। इसमें बता दें, करीब 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं। इस मामले की सुनवाई टालने के लिए लालू प्रसाद यादव समेत 77 लोगों ने अर्जी दी थी और इसके तहत जब तक कोर्ट फिजिकली शुरू नहीं हो जाती तब तक सुनवाई टाले जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से अपने रूप बदल रहा है। दुनिया भर में अब तक डेल्टा वेरिएंट से जुड़े 13 नए स्वरूप सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 भारत में ही मिले हैं और करीब 100 से ज्यादा अधिक लोगों में इनकी पुष्टि हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि देश के लगभग हर राज्य में डेल्टा के इन नए स्वरूपों से संक्रमित मरीज मिले हैं और इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में गंभीर होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये वेरिएंट इतना ताकतवर है कि टीकाकरण पूरा हो कर चुके या फिर पहले संक्रमित होने के बाद स्वस्थ होने वाले व्यक्ति को दोबारा नुकसान दे सकता है। नैनीताल सरोवर नगरी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जानकारी के अनुसार, नैनीताल से हल्द्वानी को जा रही टाटा नैनो कार में धर्मशाला के पास चलते चलते आग लग गई। वहीं बता दें, स्वामी मनीष जोशी नैनीताल हाईकोर्ट अपने काम से आए हुए थे और वापसी में हल्द्वानी जाते समय इनके वाहन के इंजन में आग लग गई, लेकिन वाहन मालिक को इसका आभास नहीं हुआ क्योंकि इंजन पीछे की तरफ था। तभी धर्मशाला के पास पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोककर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही तत्काल थाने से, बता दें, चिता मोबाइल हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह राणा भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को बुझाया जा सका। अगर स्थानीय लोग इस घटना की जानकारी गाड़ी रोक कर नहीं देते तो संभव था कि एक बड़ा हादसा हो जाता। वहीं स्थानीय नागरिकों की जागरूकता के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं वाहन मालिक ने पुलिस और स्थानीय लोगों को धन्यवाद भी किया।
स्वतंत्रता दिवस को अब महज 2 दिन ही बचे हैं और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस को लेकर आरपीएफ का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वहीं आरपीएफ की तरफ से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया और सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर भी चेकिंग की गई। इसी के साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। वहीं आरपीएफ ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा, साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगामी 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए आगरा कैंट जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है आरपीएफ जीआरपी पुलिस स्क्वाड के द्वारा। सुबह के समय जो गाड़ियों का ज़्यादा रहता है उस टाइम पर और शाम के टाइम पर दोनों टाइम पर बहुत ज़्यादा चेकिंग करवाई जा रही है। हमारे प्लेटफॉर्म हुए जो 3-4-5 जो हैं हमारे उन पर और जो हमारे वेटिंग हॉल्स हैं उन पर और जो संदिग्ध जगह लगती है फिट होती है जगह अंबेडकर नगर के कटका थाना क्षेत्र में भियाम गांव में स्थित धार्मिक स्थल पर अधिकार को लेकर 2 समुदाय में विवाद छिड़ गया। जिस स्थान को मुस्लिम कमरूल निशा की मजार बता रहे हैं उसी स्थल को ही हिंदू कालिका मां का स्थान भी बताया जा रहा है। हिंदुओं का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सालों पहले कालिका माई के स्थान पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया था और इस मामले की शिकायत हिंदू संगठनों और बीजेपी नेता ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से किया था। दरअसल गांव के बीच में एक धार्मिक स्थल है जिसको तकरीबन 800 साल पुराना बताया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यह स्थान कालिका माई का था और इसके बाद बगल में ही ब्रह्मदत्त बाबा का मजार भी है। ब्रह्मदत्त बाबा के मजार पर पहले एक साई रहते थे और लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस पर कब्जा कर उसे बदरुद्दीन का मजार बना दिया, जबकि कालिक माई का कमरूली निशान बना दिया था और इस स्थान पर आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने पहुंचते हैं। मुस्लिम जहां इसे अपने धर्म से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, वहीं हिंदू इस पर अपनी कब्जेदारी जता रहे हैं। ये कैसा स्थान है जहां देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि हम कालिका माई की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ आने जाने के लिए जो रास्ता था उसे मुस्लिमों ने बंद कर दिया है, अब हम सबको बाहर से आना जाना पड़ता है। हालांकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों का कहना है कि यहां पूजा पाठ करने में कोई भी एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाता, लेकिन हिंदुओं को मन में टीस जरूर है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने इसकी शिकायत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी की है। एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में सेना में तैनात फौजी पति की मृत्यु के बाद फौजी की पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात अरविंद चौहान की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी जांच चल रही है। वहीं लड़की के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी बेटी की शादी 3 साल पहले बिजौरी में राजकुमार सिंह चौहान के लड़के अरविंद चौहान के साथ हुई थी। शादी के बाद ये लोग आरती को दहेज के लिए परेशान करने लगे तो हम उससे अपने घर वापस ले आए थे और तभी से ये हमारे घर पर भी लड़का और लड़की से बात नहीं करता था। 4 दिन पहले उसने भी राजौरी में सुसाइड कर लिया था और लड़का जब भी फोन करता था तो वो कहता था कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा और घर वाले अरविंद को भी परेशान करते थे, जिस वजह से उसने 4 दिन पहले फांसी लगा ली थी। वहीं शादी में हमने 20 लाख रुपए खर्च किए थे, फिर भी ये लोग उसे और दहेज लाने के लिए परेशान किया करते थे। तो बता दें बीते दिन युवक ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। हालांकि बता दें युवक जवान में तैनात है, सैनिक है और ऐसे में बता दें उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब लड़की के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है दहेज को लेकर। उन्होंने लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि 20 लाख रुपए हमने लड़की की शादी में लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज और लाने के लिए बार बार प्रताड़ित करते रहते थे और इस वजह से हमारी बेटी ने भी सुसाइड कर लिया है। हालांकि उससे पहले बता दें 4 दिन पहले ही उस लड़की के पति ने भी सुसाइड किया था। हालांकि जहां पर वो तैनात था वहीं पर एक कमरे में उसने खुद
आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद चार दिन बाद फिर लड़की ने भी सुसाइड कर लिया था। वहीं अब सुसाइड के बाद ससुराल पक्ष पर लड़की के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कानपुर देहात पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह के चार सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ गए। साथ ही पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। ये वाहन चोर गिरोह कानपुर नगर और कानपुर देहात जनपद में सक्रिय था। दरअसल कानपुर देहात के शिवली कोतवाली पुलिस ने शिवली और रूरा थाना क्षेत्र की सीमा पर वाहन चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल पर चार संदिग्ध युवकों को पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस से छानबीन भी शुरू करती है और पुलिस की तरफ से बाइकों के बारे में तस्दीक भी दी तो पता चला कि मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। और साथ ही पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि पकड़े गए युवक छात्र वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। ऐसे में पुलिस ने वाहन चोरों के निशानदेही पर चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। साथ ही ये पकड़े गए वाहन चोर गिरोह सदस्य कानपुर और कानपुर देहात में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। साथ ही पुलिस की गिरफ्त में आए चार वाहन चोरों में लवकुश गिरोह का मुखिया था। और ऐसे में बता दें लवकुश के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद अब पुलिस इन वाहन चोरों का इतिहास खंगाल रही है। ये थाना शिवली, थाना रूरा और हमारे स्वाट टीम के संयुक्त अभियान में जो वाहन चोरों के गिरोह पे काम कर रहे थे, कल चेकिंग के दौरान जो शिवली और रूरा के बॉर्डर पे चेकिंग की गई थी, इस दौरान उसमें दो बाइकों पर चार बदमाश है जो वाहन चोरी से करते रहते हैं, इनसे तो चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद हुई। और इनसे कड़ाई से पूछताछ के बाद जो है कानपुर नगर क्षेत्र के करीब 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो सभी चोरी की हैं। उसमें शहर के विभिन्न थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कामयाबी जो स्वाट टीम को और हमारे थाना पुलिस को मिली है, इसके लिए पूरी टीम को 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की जा रही है। और इनसे जो अब तक अन्य जो बाइक शहर में चोरी हुई है उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में अलीगढ़ मंडल डीआईजी दीपक कुमार की तरफ से वार्षिक निरीक्षण के तहत कासगंज का दो दिवसीय दौरा किया गया। पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे की तरफ से डीआईजी दीपक कुमार के आगमन में पुलिस लाइन कासगंज में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। साथ ही बता दें डीआईजी की तरफ से सबसे पहले परेड की सलामी ली गई, जिसके बाद परेड का निरीक्षण किया गया। और इसके बाद डीआईजी ने यूपी में 112 के दो पहिया और चार पहिया वाहन और वाहन पर तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत भी की। साथ ही यूपी 112 के कर्मचारियों से सवाल भी पूछे और इसके बाद डीआईजी की तरफ से क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण किया गया। साथ ही बता दें इस दौरान डीआईजी अलीगढ़ मंडल दीपक कुमार ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के तहत कासगंज का निरीक्षण किया गया है, जहां उन्होंने पुलिस लाइन क्वार्टर गार्ड साथ ही नव निर्माणाधीन पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया, जहां काम तेजी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 300 से ज्यादा फ्लैट बन चुके हैं और बताया गया है कि सोरो थाने का भी निरीक्षण किया गया, जहां कुछ कमियां पाई गई जिन्हें सही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही शहर में ई रिक्शा को लेकर हो रही परेशानी को लेकर भी चेयरमैन और जनप्रतिनिधि से बात भी की गई। साथ ही ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक के संबंध में सुधार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बता दें आने वाले 15 अगस्त और मुहर्रम के त्यौहार को लेकर सतर्कता के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो गुणवत्ता की चीज़ है, कहीं भी ऐसी कोई बात होगी तो उसको गुणवत्ता की क्वालिटी की उसकी टीम होती है। अभी तो वहाँ पूरी तरह से मकान जो है वो बने नहीं हैं, लेकिन मैं कल गया था, मैंने कल उन सब चीज़ों का निर्माण किया था और गुणवत्ता की कोई चूँकि भी हैंड ओवर हुआ नहीं, कोई भी कमी आएगी तो पहले तो
सरोवर नगरी नैनीताल विधायक कार्यालय में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के जरिए 15 लाभार्थियों को इलाज के लिए 80,000 रुपए की धनराशि दी गई। ये धनराशि भगवती देवी, विकास कुमार, आनंदी देवी, ओम प्रकाश, बसंती देवी, सुमन बिष्ट, लीला बिष्ट, रश्मि आर्या, विमला जोशी, विमला देवी आदि को दी गई है। बता दें, धनराशि का वितरण चेक से क्षेत्रीय पटवारी सुरेश सनवाल और उनके सहयोगी की तरफ से बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, विधायक कार्यालय प्रभारी अरुण कुमार, जिला मीडिया प्रभारी महिला मोर्चा सोनू शाह, समाज सेविका डॉक्टर सरस्वती खेतवाल आदि की उपस्थिति में वितरित की गई। यूपी में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर आए दिन चोरी को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस क्षेत्र में चोर चोरी करके पुलिस को खुली चुनौती दे सकते हैं, तो बता सकते हैं कि कितने बड़े अपराधी ये हो सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि चोरों को पुलिस का कितना खौफ होगा। दरअसल आम लोगों के सामान तक महफूज नहीं हो सकते। और कुछ ऐसा ही मामला दिखा पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में, जहां पर चोरों ने बेखौफ होकर दिन दहाड़े पुलिस लिखी बाइक चोरी कर ली और जिसकी सूचना पूरे पीड़ित ने थाने में दी और चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं बता दें, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत में महिला शिक्षक संघ के तत्वाधान में पीलीभीत कार्यकारिणी अध्यक्ष अनीता तिवारी के निर्देशन में शहर के होटल ब्रामा पैलेस में आयोजित भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी 8 ब्लॉकों की कार्यकारिणी के गठन की औपचारिक घोषणा की गई और साथ ही जिले की सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणी के सफलतापूर्वक गठन पूर्ण कर लिया गया है। बता दें, समारोह में सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष, महामंत्री और मीडिया प्रभारी भी शामिल हुए और सभी को उनके पद के अनुरूप कार्य और दायित्व बताए गए। साथ ही सभी पदाधिकारियों ने सहर्ष महिला शिक्षक संघ के हित में कार्य करने का दृढ़ संकल्प भी लिया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारती संतवानी ने किया है। बता दें, कार्यक्रम में ब्लॉक मरौरी की ब्लॉक अध्यक्ष सुमन त्रिपाठी, ललौरी खेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष वर्षा सक्सेना, बरखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष मीना गंगवार के साथ सभी ब्लॉकों के महामंत्री और मीडिया प्रभारी शामिल हुए थे। वहीं कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया और इसी के साथ पीलीभीत की कार्यकारिणी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संगठन के बैनर तले हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है सुलोचना मैम, उनकी ये इच्छा है कि हर जनपद में ब्लॉक में महिला इकाई का गठन हो, ताकि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो हमारे अधिकारियों तक पहुँचें। आम तौर पर ऐसा होता है, महिलाओं की बात जो क्या वो चाहती हैं, जो क्या उन्हें दिक्कत आती है, तो वो खुल के नहीं रख पाती। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संगठन जो महिलाएं हैं हमारी, वो जनपद स्तर पे, तो वहाँ पे अब हर ब्लॉक में महिला शिक्षक इकाई का गठन कर लिया गया है। ये हमारे 7 ब्लॉक हैं पीलीभीत जनपद में और 1 नगर क्षेत्र, तो इन सब में हमारी ब्लॉक अध्यक्ष चुन ली गई हैं। और हमारे इस संघ को गठित करने के पीछे मुख्यतः जो महिलाएं थीं, जो अपनी बात खुलकर के प्राथमिक शिक्षण संघ या पुरुषों के जो शिक्षक संघ बने हुए थे उनसे नहीं कह पाती थी, उनको खुले रूप में सामने लाने का है और मुख्यतः महिलाओं का सहयोग करने का है जो किसी भी समस्या से पीड़ित। सितारगंज में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अनीश सिंह राणा और सतनाम सिंह के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस के एकजुट ने महिलाओं के साथ घोड़ा बुग्गी पर रसोई गैस का सिलेंडर रखकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शव यात्रा निकाली। बता दें, नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। साथ ही रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाओं ने घोड़ा बुग्गी पर गैस सिलेंडर रखकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शव यात्रा निकाली। साथ ही शव यात्रा गुरुद्वारा मार्ग से होते हुए नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचकर सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही बता दें, युवा
कांग्रेस प्रदेश सचिव अनीश सिंह राणा के नेतृत्व में नारेबाजी कर मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बढ़ते दामों से देश की जनता की कमर टूट चुकी है, पेट्रोल डीजल घरेलू सामान से जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस नगर अवनीश सिंह राणा ने कहा कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। झूठे वादे करने वाले बीजेपी सरकार को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया है और आने वाले चुनाव में देश की भोली भाली जनता बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। पेट्रोल डीजल और घरेलू सामान आसमान छू रहा है, बेरोजगार दर दर भटक रहा है और आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और देश का अन्नदाता किसान बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं, मगर केंद्र की सरकार इन किसानों की पीड़ा को नहीं सुन रही है। डबल इंजन की सरकार झूठे वादे कर देश को गुमराह कर रही है। चेयरमैन प्रेम युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अनीश सिंह राणा के समर्थकों की तरफ से सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल और घरेलू सामान के बढ़ते दामों को लेकर जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। डीजल के बढ़ते दामों के चलते किसानों को भी भारी परेशानी हो रही है, ऐसे में किसानों की फसल में लागत निकलनी मुश्किल हो रही है। रसोई के गैस के दामों की बढ़ोतरी होने के बाद गरीब मजदूर की कमर टूट चुकी है। उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षण राजीव भरतरी सीमांत क्षेत्र खटीमा के दौरे पर पहुंचे, जहां पर पीसीसीएफ उत्तराखंड ने जहां खटीमा के सुरई और खटीमा वन रेंजों का दौरा किया। वो इस अवसर पर इन वन क्षेत्रों में आने वाले वन विभाग की परियोजनाओं को लेकर निरीक्षण और वन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड राजीव भरतरी ने बताया कि वो इन दिनों अपने कुमाऊं दौरे पर निकले हैं, जिसके तहत उन्होंने तराई पूर्वी वन प्रभाग के सीमांत खटीमा वन क्षेत्रों का दौरा कर इन वन क्षेत्रों में वन विभाग की प्रस्तावित योजनाओं को लेकर निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही पीसीसीएफ ने भी बताया कि पूरे उत्तराखंड की सभी डिवीजन में वन विभाग की तरफ से मॉडर्न क्रूज स्टेशन की स्थापना की जा रही है, जबकि तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा वन रेंज के चकरपुर क्षेत्र में इस मॉडर्न क्रूज स्टेशन को बनाने के लिए भूमि का भी चयन किया गया है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही उत्तराखंड में मॉडर्न क्रूज स्टेशन की स्थापना के लिए रूप से बता दें 7 करोड़ की धनराशि भी जारी की गई है और इस मॉडर्न क्रू स्टेशनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है वन अग्नि की रोकथाम और मानव वन जीव संघर्ष पर अंकुश लगाना है, जिसके लिए इस स्टेशन में क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात रहेगी। साथ ही इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरण को भी इससे बॉर्डर ग्रुप स्टेशन में स्थापित किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में कुल 37 मॉडल पुलिस स्टेशन की स्थापना वन विभाग की तरफ से की जा रही है। देखिए ये तराई फॉरेस्ट डिवीजन जो है उसके अंतर्गत ये खटीमा और सुरई दो रेंज हैं, यहाँ का निरीक्षण किया गया और इसमें जो है एक तो मॉडल फायर क्रू स्टेशन चकरपुर में उसको स्थान चयन किया गया है, तो वहाँ पे जितने भी हमारे ये जो अग्नि सुरक्षा दल हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए जो भी उपकरण वगैरह हैं उसको रखने के लिए और एक ऐसा संगठित उस स्थल पे तैयार किया जाएगा कि जो कि वन विभाग किसी भी आकस्मिक स्थिति में सहयोग प्रदान कर सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।